हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया धांसू परफॉर्मेंस आपकी चल रही होगी, धांसू स्टडी चल रही होगी, बोर्ड की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप थोड़े से बेचैन हो रहे हो तो वो टेंशन हम पे छोड़ दो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा बिना किसी दिक्कत के। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ ले लिए हैं, उनके आंसर भी मैंने साथ के साथ कंक्लूड कर लिए हैं, तो आप उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ना आएंगे तो मुझसे पूछ लेंगे। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूँगा या आपको सॉल्यूशन उनका बताना स्टार्ट करूँगा ताकि हमारा जो मोटिव है सोल्व हो जाए थोड़ा सा और आप लोगों की थोड़ी सी क्या पूरी की पूरी हेल्प हो जाए ताकि पेपर में आप धुम्मा ठा दो। ठीक है, ओके, हमारे बालक धुम्मा ठा दें हम ये मान के चलते हैं। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है पार्टनर का वो कहाँ क्रेडिट करते हैं? याद कराया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, अगर ये पूछ लेता कि बताओ इसको कहाँ डेबिट करते हैं तो फिर हम क्या बोलते, हमारा आंसर होता पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट कहाँ होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वेयर कैपिटल आर फिक्स इज क्रेडिटेड टू हिज, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे आंसर दे रखा है हमें, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम उसको, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जनरली फर्म क्या होती हैं, लोन का अलग से अकाउंट बना के रखती हैं, हालांकि इसका जो आंसर है वो करंट अकाउंट भी होता है लेकिन वो डिसोल्वेशन के टाइम पे होता है। जब हम फर्म को डिसोल्व कर रहे होते हैं तो फिर हम सारी चीज़ें खत्म कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको करंट अकाउंट में डाल के या अलग से अकाउंट बना के भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अभी हमें क्या याद रखना है कि हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अपने एमसीक्यू के हिसाब से। ए बी पार्टनर हैं, इक्वल कैपिटल है उनकी 2 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर का है, ये कैपिटल दे रखी है। एज पर डीड दे आर अलाउिंग इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जो देना है कैपिटल का 8% देना है। इसी साल में फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 12,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए और बी विल बी, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल होता है वो क्या होता है, एज अ अप्रोप्रिएशन भी होता है और साथ में क्या क्या होता है, एज अ अप्रोप्रिएशन के साथ साथ एज अ चार्ज भी होता है। तो क्वेश्चन ने तो सर कुछ नहीं बताया कि अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो मैंने कुछ लिखाया था वहाँ कि जब पूछना बताए तो हम एज अ अप्रोप्रिएशन मानते हैं और जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ अप्रोप्रिएशन होता है तो हम ये चेक करते हैं प्रॉफिट सफिशियंट है या नहीं है। अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो अलाउ कर देते हैं, अगर सफिशियंट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करते हैं, यानी प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, पहला ए की कैपिटल 2 लाख और बच्चों 2 लाख का कितने परसेंट, 8% दे रखा है, टाइम नहीं पता तो पूरे 12 महीने यानी कि 16,000 ए का इंटरेस्ट आ गया। बी की कैपिटल है 1 लाख, एल मतलब लाख को लिख रहा हूं मैं, और इसका कितना आ गया, इसका कितना आ गया मेरे बच्चों, 8,000। तो 16 और 8,000 यानी कि कितना, 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा। चेक करो हमारे पास प्रॉफिट कितने का है, 12,000 का। इसका मतलब ये 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे पाएंगे, यानी कि पहला वाला आंसर तो है ही नहीं, ये तो आउट हो गया। फिर हम कितना दे पाएंगे सर, ये जो 12,000 का प्रॉफिट है इस 12,000 के प्रॉफिट को ही हम कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, 12,000 का प्रॉफिट ए में और बी में कैपिटल रेशियो में बढ़ जाएगा। कैपिटल कितने की थी ये देखो, 2 लाख की और 1 लाख की, तो रेशियो कितना है, 2:1, यानी 2/3 और 1/3 में बढ़ जाएगा। तो बेटा कितना आएगा जल्दी से बांटो, तो इसका आएगा 8,000 और इसका आएगा 4,000, तो इसका मतलब हमारा आंसर है ये वाला, बी वाला, 8,000 और 4,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से करने की जरूरत है मेरे बच्चों। आगे कह रहा है, आप पार्टनर गौरव ने विड्रॉन करे हैं 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कब विड्रॉन करे हैं, 12,000 विड्रॉन करे हैं और हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो निकालता है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% अगर चार्ज करना है तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बी केयरफुल, क्वार्टर है और क्वार्टर की स्टार्टिंग है, मैंने फॉर्मूला बताया था n+3/2 कि जब क्वार्टर होता है तो n में 3 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं जब बिगिनिंग होती है। सर ये नहीं बता रखा कि कब से स्टार्ट करा है, तो हम स्टार्टिंग से ही मानेंगे, यानी कि 12+3/2 यानी 15/2 यानी कि 7.5 महीने का हमारा एवरेज टाइम आएगा। सर निकालेंगे कैसे, वो निकाल रहा कितने कितने, गौरव ने विड्रॉन करें 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ,
ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि वो पूरा ड्यूरिंग द ईयर 12,000 रुपये निकालता है। हाँ जी बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं, बात करते हैं। और इसमें यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहे थे हम बता रहे थे कि हमें 7.5 महीने का एवरेज टाइम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। बताओ जरा, मैंने ड्यूरिंग सेशन क्या याद कराया था, पहले हम स्टेप फर्स्ट में क्या निकालते हैं, टोटल ड्रॉइंग्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स निकालने पड़ेंगे। तो बताओ टोटल ड्रॉइंग्स कितने के आएंगे हमारे, 12,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ हर क्वार्टर में निकालता है, एक साल में 4 क्वार्टर, यानी कि इस तरीके से पूरे साल में वो 48,000 रुपये निकालता है। स्टेप टू में हमें क्या निकालना होता है, एवरेज टाइम जो कितने का आया है, 7.5 महीने का। फॉर्मूला लगा दो, यानी कि उसको 48,000 पे 7.5 महीने बटे 12 इंटू कितना है, 8/100। इस तरीके से इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितने का निकल के आएगा, कितने का निकल के आएगा बेटा, एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ कितने का निकल के आएगा, 2400 रुपये का हमारा आंसर आएगा। देखो मेरे ही नाम पे आंसर आ रहा है 2400, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ढंग से पढ़ें। क्या करना होता है हमें, पहले क्वेश्चन में हमें स्टेप फर्स्ट में क्या निकालते हैं, टोटल ड्रॉइंग्स निकालते हैं। उसने कहा मैं क्वार्टर की स्टार्टिंग में 12,000 निकालूंगा, यानी कि हर क्वार्टर में 12,000, तो एक साल में 4 क्वार्टर, तो 12,000 12,000 12,000 12,000, इस तरीके से पूरे साल में 48,000 रुपये निकाल ली। इसका मतलब क्वेश्चन ने टोटल ड्रॉइंग्स नहीं दे रखे थे, तो हमने टोटल ड्रॉइंग्स निकाले। बच्चे क्या गलती करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, वो 12,000 इंटू 7.5 बटे 12 और इंटू रेट अपॉन 100 लगाकर आ जाएंगे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पेपर में घुमाकर भी आ सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकता है कि अ पार्टनर विदड्रॉन 48,000 इन अ ईयर एज द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इस तरीके से बोल सकता है। तो अगर उसने ये बोल दिया कि 48,000 ड्यूरिंग द ईयर निकालें, इसका मतलब उसने पूरे साल के 48,000 दे दिए। मतलब फिर वो ये बोल रहा है कि मिस्टर ए पूरे साल में 48,000 निकालेंगे और ये 48,000 उन्होंने क्वार्टर में कर करके निकाले हैं। इसका मतलब हर क्वार्टर में 12,000 12,000 12,000 12,000 निकाले हैं, ऐसा करके पूरे साल में वो 48,000 निकाल लेते हैं। मतलब कब पहले स्टेप में इंटू फोर करना है, कब नहीं करना है, कब उसने सीधा दे रखा है, इस बात को हमें पकड़कर चलना है। ये क्वेश्चन क्वार्टर की जगह मंथ से भी आ सकता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताकर मैं आया हूं। तो आंसर 2400 होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, ये बात लिख के रख लो। आगे कह रहा है ऑन विच साइड पार्टनर्स ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। बी केयरफुल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हैं तो मैंने क्या कहा था, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हुए भी, दो चीजें कैपिटल अकाउंट में ही आती हैं, एक तो ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, दूसरा एडिशनल कैपिटल। तो सर जी ये कहाँ जाएगी, ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल कहाँ जाएगी, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये बात तो सही है, आपको कैसे पता डेबिट में जाएगी। बेटा ड्रॉइंग्स का मतलब होता निकाल लेना, मैंने क्या सिखाया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं वो चीज़ जिनसे बैलेंस बढ़ता है, और डेबिट साइड लिखते हैं वो चीज़ जिनसे बैलेंस घटता है। तो बताओ पार्टनर ने ड्रॉइंग कर ली, ड्रॉइंग का मतलब पैसे निकाल लिए, तो पैसे निकालने से बैलेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सर बैलेंस घट जाएगा, दैट मीन्स हम डेबिट साइड में लिखेंगे। बी केयरफुल, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा और ऐसे कह देगा ऑन विच साइड, बी केयरफुल, ऐसे पूछ लेगा ऑन विच साइड पार्टनर्स ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड। अगर इसकी जगह लिखा हो आउट ऑफ प्रॉफिट, तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखने की जरूरत है मेरे बच्चों। फिर आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सी आइटम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाएगी। तो सोच लो, पहले सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर दो कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। केवल वो चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिखी जाती हैं जिनका पार्टनर से लेना देना होता है, पार्टनर का कैपिटल का इंटरेस्ट, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो, और पी एंड एल नेट प्रॉफिट जो हमारा आया है वो। इसके अलावा कुछ ट्रांसफर नहीं करते हैं। पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, नहीं जाता है, ये बात पकड़ के चलो। तो पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल ये तो सर जाता ही जाता है अप्रोप्रिएशन में। अमाउंट ऑफ पार्टनर्स ड्रॉइंग ये कब जाता है, अमाउंट ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है, पार्टनर का ड्रॉइंग नहीं जाता है, तो हमारे साथ वो खेल रहा है। प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जाता है, कमीशन टू पार्टनर जाता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली जो बच्चा ये रट के जाएगा कि ड्रॉइंग्स अप्रोप्रिएशन में जाते हैं वो फंस जाएगा, ड्रॉइंग्स नहीं जाते मेरे लालो,
ड्रॉइंग्स नहीं जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है मेरे लाल पीलो हरे गुलाबियों, इस बात को दिमाग में तुम्हें रखना है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हैज बीन 1,20,000, पार्टनर कमीशन इज 20% ऑन नेट प्रॉफिट। 1,000 बार रटवाया है, अगर बोल रहा है 20% ऑन नेट प्रॉफिट तो कुछ नहीं बोला तो आफ्टर मानेंगे, कुछ नहीं बोला तो आफ्टर ही मानेंगे। और आफ्टर के केस में क्या लगता है फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रट लो। तो इसका मतलब 1,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे जल्दी से तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, बी केयरफुल जल्दी से करो, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से करो, तो जल्दी से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20,000 का आ जाएगा सर। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये ना बताए कि नेट प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है तो हम आफ्टर ही मानते हैं, लेकिन सर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है बिफोर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बिफोर। सर कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ नेट प्रॉफिट के आसपास ढूंढने लगते हैं बिफोर आफ्टर। बेटा स्टार्टिंग में ही बोल दिया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हैज बीन 1,20,000, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है कमीशन से पहले वाला ही दे रखा है, तो बिफोर वाली सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, इसलिए ये वाला आंसर यहाँ नहीं होगा। ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन चेंज हो जाए होकर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हैज बीन इतना, अगर ऐसे दे रखा हो तो आंसर वो है जो मैंने निकाला था 1,20,000, लेकिन बिफोर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 इंटू 20/100, तो 12 दूनी 24 हजार आंसर होगा। सर हमें तो ऐसा लग रहा है अगर किसी क्वेश्चन में 24,000 यानी 24,000 ऑप्शन हो तो बेटा आंख मीच के लगा दो, 24,000 हर जगह सही होता है, यत्र तत्र सर्वत्र सही होता है, मजाक कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ें, एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का दे रखा है, सी ने गारंटी दे रखी है, मिनिमम प्रॉफिट 40,000 का है, बाई अ प्रॉफिट ऑफ अमाउंटेड टू 1,60,000 द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर विल बी। मतलब हमने सी को गारंटी दे रखी है, भाई मिस्टर सी हम 40,000 से कम तुझे नहीं देंगे, अगर तुझे कम भी मिलता है तो 40,000 तो तेरा पक्का है, लिख के रख ले। ऐसे केस में जो नुकसान होता है वो रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करते हैं, या उन्होंने और कोई रेशियो डिसाइड किया है गारंटी का तो उसमें बियर करते हैं, और कोई रेशियो तो दे नहीं रखा है तो उसी रेशियो में बियर करेंगे। तो ढंग से सुनो मेरे बच्चों, ढंग से सुनो, तो हम क्या करेंगे, पहले 1,60,000 को बांट कर देख लेंगे कि ए का कितना आ रहा है, बी का कितना आ रहा है, सी का कितना आ रहा है, और सी के सामने 40,000 भी रख के चलेंगे क्योंकि इससे कम इसको देना नहीं है। पहले निकाल के देख लेते हैं कितना कितना आता है, तो 1,60,000 को बांटो जल्दी से 2:2:1 में, यानी कि 2/5, 2/5 और 1/5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी से, क्या आएगा। सर आप भी कर लो बेटा, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो अलाउड है, इंटू 2, तो बेटा इसका आ रहा है 64,000, इसका आ रहा है 64,000 और इसका कितना आ रहा है बेटा, इसका आ रहा है 32,000। बी केयरफुल, सी का आ रहा है 32,000, सी ने कहा है 32 तो मैं लूंगा नहीं, सी का कितना आ रहा है 32, अब सी ने गारंटी ले रखी है तो सी 32 तो लेगा नहीं, तो सी को कितना देना है, बी केयरफुल ढंग से सुनना, सी को कितना देना है 40,000। तो हम लिख देंगे कि सी को तो हमें 40,000 देना है, सी 40,000 से कम लेने वाला ही नहीं है, दैट मीन्स 8,000 की कमी पड़ेगी प्रॉफिट में, उस 8,000 की कमी को कौन बियर करेगा, ए और बी, यानी कि हम ए और बी का प्रॉफिट 8,000 से कम कर देंगे, किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का है जल्दी से देखो, या ये चेक करो गारंटी कोई बराबर बराबर तो नहीं दे रखी, बी केयरफुल, गारंटी कोई बराबर बराबर तो नहीं दे रखी, कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, तो जल्दी से बताओ कितने का आएगा, 8,000 को माइनस करो उन दोनों से, ठीक है बच्चों, तो गारंटी को वो बियर कौन से रेशियो में करते हैं, अपने गारंटी को वो बियर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसका मतलब ये जो 8,000 का नुकसान है वो कौन बियर कर लेंगे, ए और बी बियर कर लेंगे दोनों मिलके। लेकिन ढंग से अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और यही कारण है बच्चे गलत करके आते हैं, उसने साइड में लिखा हुआ है बाई ए, ये जो गारंटी दी है ये ए ने दी है, बी ने इसमें कोई गारंटी नहीं दी है, तो इसका मतलब ये जो 8,000 हैं ये केवल ए के हिस्से में से कम होंगे, बी का तो वही 64,000 रहेगा प्रॉफिट, केवल ए का ही कम हो जाएगा, तो 64 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56,000 बचेगा, इसका मतलब ए का 56 हो जाएगा बच्चों, और बी का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, यानी 56, 64 और 40,000, तो ये इसका आंसर होगा, बी केयरफुल,
यही क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज होके पेपर में आ सकते हैं, वो आपको याद। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी से, अगर इस क्वेश्चन में वो ये लिख दे, ये वाली लाइन काट देता हूं मैं, ऐसे लिख दूं सी इज गारंटी अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 बाई ए कट कर दूं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बच्चों, जो 8,000 की गारंटी है दोनों बियर करेंगे ए बी और बी बी, तो 4,000 हम ए में से घटाएंगे, 4,000 हम बी में से घटाएंगे। तो इस तरीके से घुमा के भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पी क्यू पार्टनर है, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 18, 21, 15,000 रिस्पेक्टिवली ओमिटेड हो गया, तो बताओ एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। ये क्वेश्चन को करवाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, आप भी तरीका सीख लोगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। जितने पार्टनर हैं उतनी लाइन बना लो पी क्यू और आर, ठीक है, और एक लाइन बना लो टोटल की, देखो कितनी जल्दी से आंसर मिल जाएगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लिखना भूल गए हैं, यानी कि हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है, तो वो हमसे कह रहा है एडजस्टेड एंट्री बताओ कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि इसकी आमलेट बन गई, ये ओमिट हो गया, तो बताओ इसको हम कैसे ठीक करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या होगी। तो हम कहेंगे बी केयरफुल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर देंगे पहले इन क्रेडिट इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जल्दी से कितना कितना है, 18, 21, 15 को क्रेडिट कर दो, बी केयरफुल, 18,000 क्रेडिट इसको होना था नहीं किया, 21,000 क्रेडिट इसको होना था नहीं किया, सॉरी 2100 और 1500 इसको क्रेडिट करना था नहीं किया, तो बी केयरफुल, 18,000 नहीं है बच्चों, गलती से लिख दिया 1800, 2100, 1500, इतने का प्रॉफिट हमें क्रेडिट करना था, तो जल्दी से देखो कितने का टोटल आएगा, 1800, 2100 और 1500, तो कुल मिला के ₹5400 हम क्रेडिट करना भूले हैं। ढंग से सुनो, सही कैसे करेंगे, पहले ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में से उठा के रखा है, 1800 क्रेडिट, 2100 क्रेडिट और 1500 क्रेडिट क्वेश्चन में से ही उठा के रखा है, ठीक है, कुल मिला के 5400 क्रेडिट करना क्या है, जो यहाँ पर लास्ट में आया है 5400, इसको अपोजिट करना है। अब हमें क्या करना है, 5400 को डेबिट करना है इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना था, इन्होंने नहीं किया, तो हमने ऐसे ही लिख के रख लिया कि पी का 1800 क्रेडिट, क्यू का 2100 क्रेडिट और आर का 1500 क्रेडिट, कुल मिला के ₹5400 क्रेडिट करने थे नहीं किए, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट नहीं किया, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया होगा तो हमने डेबिट भी नहीं किया होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसका मतलब प्रॉफिट में भी ₹5400 की गलती हुई होगी, एप्रोप्रिएशन में भी ₹5400 की गलती हुई होगी और प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल में गलती से बांट दिया गया होगा, इसलिए हम ₹5400 को अब डेबिट कर रहे हैं ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो जल्दी से ₹5400 को बांट के दिखाओ कौन से रेशियो में, इनका रेशियो 3:2:1, तो 5400 को बच्चों 3:2:1 में बांट देंगे, बी केयरफुल कितना आएगा, जल्दी से ₹5400 3:2:1 यानी कि 6 × 3, तो ये आएगा बेटा ₹2700 इसका डेबिट होगा, ₹2700 इसका डेबिट होगा, ₹1800 इसका डेबिट होगा, बी केयरफुल, ₹1800 इसका डेबिट होगा और बच्चों ₹900 इसका डेबिट होगा। इस तरीके से ₹5400 का गेम हमें एडजस्ट करना है, बी केयरफुल, 1500 में से 900 जाएंगे, इसका मतलब आर के बच रहे हैं 600 क्रेडिट में, आर के बच रहे हैं 600, देखो अपने आप पता भी चल रहा है 1500 क्रेडिट के 900 डेबिट के कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, 600 जो बच रहा है वो किसका है, क्रेडिट का, जिसका सिंबल होता है वो लिखते हैं, तो ज्यादा किसका है, क्रेडिट का, इसलिए यहां मैंने क्रेडिट लिख दिया। अब यहां पे देखो 2100 और 1800 में कौन सा ज्यादा है, 2100 क्रेडिट, 1800 डेबिट, सर क्रेडिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला ज्यादा है, इसका मतलब क्यू का भी क्रेडिट में आ रहा है, ₹300 हमें क्यू को क्रेडिट करना, चेक कर लेंगे 600 और 300 कहां क्रेडिट लिखे हुए हैं ऑप्शन में, 600 और 300 सर ये वाले ऑप्शन में देखो लिखे हुए हैं, बाकी बचा ए का, तो अपने आप देखोगे तो उसका ₹900 डेबिट में आ रहा होगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस पास्ट एडजस्टमेंट का भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, सर अगर पेपर में इस वाले क्वेश्चन की जगह जो ओमिशन आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आएगा तो फिर आप कैसे कराओगे सही, तो बेटा ये जो हमने लिखा है ना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो फिर हम यहाँ क्या कर देंगे पहले स्टेप में डेबिट इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे 1800 डेबिट, 2100 डेबिट, 1500 डेबिट, अगर ये पार्टनर कैपिटल का क्वेश्चन होता तो फिर यहाँ क्या आते, ₹5400 डेबिट, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं, सॉरी अगर ड्रॉइंग का क्वेश्चन होता तो हम पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, डेबिट डेबिट डेबिट, कुल मिला के 5400 डेबिट, ठीक है, अब 5400 डेबिट है तो इसका दूसरे स्टेप में अपोजिट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं 5400 क्रेडिट इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन सेम,
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह ड्रॉइंग्स का देता तो पहला स्टेप होता डेबिट इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा स्टेप होता उसका अपोजिट क्रेडिट इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आई सर? पहले पहले स्टेप में किसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे, कौन से रेशियो में करेंगे? बेटा कोई रेशियो नहीं पहले से गिवन होगा, या उनकी कैपिटल पे वो कैलकुलेट होता है तो उसका कोई रेशियो नहीं होता, स्पेसिफिक रेशियो होता है। जल्दी से, हमने रेंट पेड टू अ पार्टनर इज डेबिट टू, बी केयरफुल, हमने हमने एक पार्टनर को रेंट पेड किया है, बी केयरफुल, रेंट पेड टू पार्टनर इज डेबिटेड टू, बी केयरफुल, पार्टनर का कमीशन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये उनमें से नहीं है। जबरदस्ती रेंट पेड टू पार्टनर, यानी पार्टनर का नाम लेके, ताकि आप रट लो कि पार्टनर का नाम आ जाए तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेज देंगे, ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा अगर पार्टनर को रेंट हमने दिया है। कमीशन कमीशन एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, बाकी नहीं होता है। इस बात को पकड़ के चलेंगे। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन पार्टनर्स हैविंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से दो, कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। विच अकाउंट आर ओपन विद पार्टनर्स हैविंग फ्लक्चुएटिंग, सॉरी फ्लक्चुएटिंग पूछ रहा है, फिक्स नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, फ्लक्चुएटिंग। तो जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो केवल एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, इसको घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर हम कहेंगे दोनों, बोथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, बी केयरफुल, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, द बैलेंसेज ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट आर डेबिटेड क्रेडिटेड ऑलवेज क्रेडिटेड आइदर डेबिटेड और क्रेडिट, तो आइदर डेबिटेड और क्रेडिट नोट्स में भी लिख के दिया था कि पार्टनर के करंट अकाउंट का मे बी डेबिट और मे बी क्रेडिट, यानी कि आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट हो सकता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछने लगे कि बताओ फिक्स कैपिटल अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है, तो हम बोलेंगे मेरे बच्चों क्रेडिट नहीं, ऑलवेज क्रेडिट। और अगर केवल क्रेडिट आंसर दे रखा तो वही लगा देंगे, लेकिन क्रेडिट और ऑलवेज क्रेडिट ऐसे लिखा हुआ है तो इन दैट केस आपको ऑलवेज क्रेडिट लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बी केयरफुल, पास्ट एडजस्टमेंट भी कवर करा दिया, गारंटी भी कवर करा दी, बेसिक भी कवर करा दिया, तो यहाँ वो सारी बातें आपके लिए कवर करा दी हैं। चलिए अब ढूंढ लेते हैं गुडविल में से, अब दूसरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। गुडविल, गुडविल में क्या है, गुडविल इज अ इंटेंजेबल बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे भी पूछ सकता है, गुडविल इज अ डैश एसेट्स इंटेंजेबल एसेट्स, गुडविल इज नॉट अ डैश एसेट्स मतलब फिक्टिशियस एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द एक्सेस अमाउंट पेड ओवर अ बिजनेस इट्स टोटल क्या नेटवर्थ, उसकी नेटवर्थ से जो ज्यादा अमाउंट पे करते हैं वो गुडविल कहलाती है। शेयर के क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही था, ये जो क्वेश्चन दे रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का 5 लाख का है, एवरेज प्रॉफिट ने जो अर्न किया है हमने 65,000 का किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखी है क्या है 8% है, और जो रेमुनरेशन दिया है वो 20,000 का है एक्सपेक्टेड है, देन सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज कितना कितने का होगा। तो बेटा यहाँ पे इसको निकाल के देख लोगे, फॉर्मूला आपको आता है अच्छे से, क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्लस रेमुनरेशन को ऐड कर देंगे, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमने बनाया है, तो आंसर निकल के आ जाएगा 5,000 का। ठीक है, आप इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करें, इसको आप नॉर्मल तरीके से सोल्व करें, यानी कि आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद जो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे उसमें से आप रेमुनरेशन को माइनस कर दे और दोनों को कंपेयर कर लें तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। चलो जी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कभी आपसे ना निकले, बताओ जरा जल्दी से, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है 5 लाख, कितने परसेंट कमाते हैं 8%, तो 5 लाख का 8% यानी कितना 40,000 रुपये का हमारा कौन सा प्रॉफिट आया, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि मेरे जैसे बिजनेस में लोग कितना कमाते हैं, मेरे जैसे बिजनेस में लोग कमाते हैं 40,000, मैंने कितना कमाया है, बी केयरफुल, मैंने कितना कमाया है 65,000, लेकिन अभी इस 65,000 में से क्या अभी तक रेमुनरेशन माइनस नहीं किया है तो माइनस कर देंगे क्योंकि नॉर्मल नेचर के एक्सपेंसेस घटाने होते हैं, तो यानी कि मेरा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेरा कितने का है बच्चों, मेरा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितने का है 45,000 रुपये का, तो मेरा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 45,000 का और मेरा जैसा लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 का, तो मैं उनसे कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ 5,000 ज़्यादा कमा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए करा दिया, मुझे लगा कभी आप ना हो, वैसे तो प्रैक्टिस बहुत बार करा रखी है तो आप इतने कैपेबल होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है कि गुडविल कितने की होगी, बी केयरफुल, ढंग से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, कैपिटलाइज वैल्यू, आँख खोल कर देखोगे तो जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं, जो नोट्स बनाए हैं उनमें ये बातें लिखी हुई हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रॉफिट
इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ जाएगी, 4 लाख। अब कैपिटलाइज वैल्यू में से क्या घटा देते हैं, जितनी हमारी नेटवर्थ होती है तो क्या निकल के आ जाती है, गुडविल। इसको कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस क्वेश्चन को भी ढंग से कर लोगे, गुडविल में से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक फर्म है एक्सपेक्टेशनली हाई प्रॉफिट एंड द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट रिन्यूड इन सच अ केस द प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। किसमें इंक्लूड नहीं होगा, बताया था, यानी कि जो नॉर्मल नेचर के प्रॉफिट नहीं होते हैं, जो अब नॉर्मल नेचर के प्रॉफिट होते हैं, जो नॉन रिकरिंग नेचर के प्रॉफिट होते हैं, या जो प्रॉफिट अचानक से आ जाए, उनको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि गुडविल की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होंगे। एक फर्म इतने का प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतने की है, कंपनी की जो एसेट्स हैं वो 22 लाख की हैं, लाइबिलिटी हैं 2 लाख की हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा फॉर्मूला हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट्स में क्या नहीं लेते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, यहाँ नहीं दे रखी है, पेपर में हो सकता दे दे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, फिक्टिशियस नहीं लेते हैं, और पुरानी गुडविल नहीं लेते हैं। इन तीनों को छोड़ के सारी टोटल एसेट्स लेते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, तो मैं मानूंगा वो होंगी नहीं। तो 22 लाख में से आउटसाइड लाइबिलिटी है 2 लाख की, इसका मतलब हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे बच्चों वो कितने का आया, 20 लाख का। तो 20 लाख के कैपिटल एम्प्लॉय में 10% का रेट ऑफ रिटर्न तो कितने का आ गया, यानी कि कितने का, 2 लाख रुपए का, ठीक है, बी केयरफुल। तो यानी कितने का आ गया हमारा, 2 लाख रुपए का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्म ने कितना अर्न किया है, फर्म ने अर्न किया है कितना, फर्म ने अर्न किया कितना, 2,20,000। फर्म जो अर्न करती है वो 2,20,000 अर्न करती है। वैसे तो सर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, गुडविल पूछ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो इस केस में तो हमें क्या करना होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का दे रखा है क्वेश्चन में, 2,20,000 का, ठीक है, कितने का दे रखा है बच्चों, 2,20,000 का हमें क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा। तो हम उसका क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं जल्दी से, इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो, 2,20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 × 100, यानी कितने का आ जाएगा, 22 लाख का। बी केयरफुल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 22 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितने का निकाला था, 20 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का निकाला था, 20 लाख। तो 22 लाख में से 20 लाख घटाओगे तो कितने का आ जाएगा, 2 लाख रुपए का। तो गुडविल हमारी कितने की होगी, 2 लाख रुपए की हमारी गुडविल हो जाएगी। बी केयरफुल, ढंग से पढ़ने की जरूरत होती है, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो जैसे मैंने बिना मतलब भी यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद में परसेंटेज अप्लाई कर दी, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है। तो जितना एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट है हमारा, वो उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इनटू कर देंगे 100 से, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी, उसको माइनस कर देंगे कंपनी की नेट एसेट्स या नेटवर्थ से, जो बचेगी वो हमारी गुडविल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 लाख रुपए की है। बी केयरफुल, विच इज नॉट मेथड ऑफ अ गुडविल का कौन सा मेथड नहीं है, तो एवरेज भी होता है, सुपर प्रॉफिट भी होता है, कैपिटलाइजेशन भी होता है, रेगुलर प्रॉफिट मेथड ये कोई मेथड नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है, तो ये हमारा आंसर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ गुडविल कितने की होगी, एवरेज निकाल के कर दोगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने ईयर होते हैं डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। बी केयरफुल, प्रॉफिट जुड़ेगा, लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस, गुडविल निकल जाएगी। ये क्वेश्चन हैं, जिस तरीके से ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं वो सेम सेम फ्लैट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम फ्लैट क्वेश्चन है इनकी। एक बार आप प्रैक्टिस करके इन्हें निकाल के देखोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9555851071 उस पर व्हाट्सअप कर दें, मैं सॉल्यूशन भी इनका प्रोवाइड कर दूंगा। आंसर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि आपको भी वेरिफिकेशन हो जाएगा हमने सही किया है या गलत किया है। जितनी चीज़ें दे रहा हूं मैं उतनी आपको पढ़नी है ढंग से, बाकी करने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स में दे रखी है वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। बी केयरफुल, बताओ कौन से प्रॉफिट गुडविल में ऐड बैक करते हैं, फिर से लिख देता हूं एक बार, कौन से जो लॉसेज होते हैं जो गुडविल में ऐड बैक करने होते हैं, सर जो अब नॉर्मल नेचर के लॉस होते हैं, या सर जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, लॉस बाय फायर को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ऐसे ही कोई दे रखा हो लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड बैक, वापस से जोड़ देते हैं, इन लॉसेस को हम वापस से जोड़ देते हैं क्योंकि अब नॉर्मल नेचर के होते हैं। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ, अगर कोई लॉस दे रखा है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स के बेचने पर कोई लॉस दे रखा है उसको भी ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से कंपनी ने कोई डिविडेंड पेड किया है तो उस डिविडेंड पेड को भी लेस कर देते हैं। बी केयरफुल, इंश्योरेंस क्लेम अगर दे रखा है क्वेश्चन में
तो इंश्योरेंस क्लेम मेरे बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम एक नॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर है, अब नॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं है। बी केयरफुल, इसको वापस से जोड़ते नहीं है, ये कंपनी को घटाना ही होता है। तो अगर घटा रखा है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं घटा रखा है तो आप घटाएंगे। बी केयरफुल, इंश्योरेंस क्लेम नहीं बच्चों, सॉरी सॉरी, मैं भी आपकी तरह जल्दी जल्दी में हो रहा हूँ। इंश्योरेंस क्लेम नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को नॉर्मल नेचर का ही मानते हैं, क्योंकि प्रीमियम सभी रेगुलर देते हैं, नुकसान हो या ना हो। बी केयरफुल, लेकिन हाँ अगर इंश्योरेंस क्लेम मैं बोलने लग जाऊँ तो इंश्योरेंस क्लेम तो अब नॉर्मल नेचर का ही होता है। बताओ कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुडविल की वैल्यूएशन में जिनको हम लॉस करते हैं? तो अगर हमारा प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल्स, चाहे फिक्स एसेट्स बेचने से हुआ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बेचने से हुआ हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उनसे हमें इंटरेस्ट मिला हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, क्योंकि ये अब नॉर्मल नेचर की होती हैं। तो ये आपको पकड़ के चलनी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कवर कर लिया है किसको, गुडविल के एमसीक्यूज और पहले चैप्टर के एमसीक्यूज, इन्हीं कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना जितना कराया मोर देन इनफ है। नेक्स्ट वीडियो जो 8:30 बजे आपको मिल जाएगी, उसमें मैं फिर से कवर कराऊंगा और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उस वीडियो में मैं पूरे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को फिनिश करा दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी जब तक आपके पास ये जो टाइम बचा हुआ है 1 घंटे का, इसमें आप प्रैक्टिस करें उन अनसोल्व क्वेश्चंस की जो मैंने आपको दिए हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।